अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, बहुमत उनके पास था ही नहीं। जब बहु ही नहीं है ऐसी बात हो भाई, बहुत अच्छा भाई, भाई श्याम बहु ही नहीं है तो बहुमत कहाँ से होगा। अब लालू यादव जी से कह रहे हैं समर्थन दे दो, अटल जी इतने विद्वान हैं और उन्हें यही पता नहीं कि एक बार है बच्चों का बाप, एक ब्रह्मचारी को कैसे समर्थन दे दे, विचारधारा ही नहीं मिलती। और अक्कल होवे तो समर्थन दे भी देते, पर अनाज खावे तो अक्कल आवे। अब लालू जी ने जापान के पीएम को फोन कर दिया कि बिहार की विकासशील योजनाओं में योगदान दो, कुछ येन दो। जापान के पीएम ने बिहार की स्थिति का अवलोकन किया और साफ कह दिया, क्या हालत बना रखी है बिहार की, यह बिहार 3 महीने के लिए हमें दे दो, हम इसे 3 महीने में जापान बना दें। लालू जी बोले, 3 महीने बहुत लंबे होते हैं, तुम अपना जापान 3 दिन के लिए हमें दे दो। हम इसे 3 दिन में बिहार न बना दें। क्या बात है भाई, अब मेरे हाथ में भाग्य रेखा है, पर भाग्य में रेखा नहीं है। अब कुछ भी हो जाता, सोचते क्या है, हो कुछ जाता। बाबूजी कहते हैं कि अच्छा है ज्वालामुखी तेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, वरना तू भी मुकेश अग्रवाल की तरह दूसरी दुनिया में चला जाता। पर अब मैं जानता हूँ रेखा के साथ मुकेश अग्रवाल की तरह 4 दिन जी लेना इस मरी खपी 100 साल की उम्र से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि क्वांटिटी नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए। तो हास्य में राष्ट्रीयता कैसे होती है, मैं 2-4 पंक्तियों से आपकी सेवा में। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, लंका वर्ल्ड कप ले गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये विदेशी खिलाड़ी बड़े नमक हराम होते हैं, यहाँ आते हैं अपना खाते हैं और अपने को ही हरा जाते हैं। अपने खिलाड़ी नमक हराम नहीं होते, वे बड़े वफादार होते हैं, जहाँ भी जाते हैं जिसका भी खाते हैं उसी को जीता देते हैं। भाई क्या बात है यार। और मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि अपन नहीं जीत सकते, जब एक गरीब खिलाड़ी बेचारा जिंदगी में पहली बार पेप्सी पी रहा था और अजहरुद्दीन साहब छीन कर भग गए। तो मैं समझ गया जो खिलाड़ी 1-7 रुपए की पेप्सी के लिए लड़ते हैं वे क्या देश के लिए लड़ेंगे। अब एक मेरे मित्र हरगोविंद सिंह जी बोले कि सचिन सेंचुरी बनाएगा, मैंने कहा नहीं बनाएगा, 1000 रुपए की शर्त लगा ली। सचिन 85 पर आउट हो गया, हरदयाल सिंह जी 1000 रुपए हार गए। दूसरे दिन फिर आया, सचिन सेंचुरी बनाएगा, शर्त लगा लो। मैंने कहा कल तो 1000 हार गए थे, क्या नहीं कल 3000 हारा। मैंने कहा 1000 की शर्त लगाई 3000 कैसे हारे, वो बोला 2000 रुपए की शर्त हाईलाइट पर भी हार गया था। भाई बहुत अच्छा श्याम, तो ऐसा भी हो जाता है। अब कवि बनने से पहले मैं भी इंसान था, कवि बनना मेरे लिए एक दुर्घटना है, जो भी पत्नी पीड़ित होता है वो कवि बन जाता है।
जैसे महाकवि तुलसीदास जी, कालिदास जी, ये पत्नी पीड़ित नहीं होते तो कवि नहीं बनते। जो जितना ज़्यादा पत्नी पीड़ित होता है उतना बड़ा कवि बनता है। मैं छोटा कवि हूँ, बाबूजी बहुत बड़े कवि हैं। तो शादी से पहले कन्या 16 सोमवार करती है, शिवजी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कोई भी 3 वर मांग लो। समझदार कन्या कहती है भगवान 3 वर का मैं क्या करूंगी, ढंग का हो तो 1 वर ही बहुत। तो मैं तो ढंग का निकल गया, बाकी जहां पहले दुल्हन को देखा नहीं जाता घटना हो जाती है। एक दूल्हे को प्रेजेंट देते हुए मैंने कान में कहा कैसी दुल्हन से शादी कर रहे हो, देखा नहीं, रंग काला है, नाक चपटी है, दांत टेढ़े है, 1 आंख है ही नहीं। वो बोला ज्वालामुखी जी आप कान में क्यों कहते हैं, अरे जोर से बोलो यह सुनती भी नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मेरी पत्नी तो पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब आप गंभीरता से न लें। जो पति को रोज व्रत करवावे क्या बात उसी को पतिव्रता कहते हैं। वो मेरे सपनों की रानी है। सपनों की रानी कहने में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि सपने कभी सच्चे नहीं होते। आदमी सपने में तरबूज खाता है, सुबह उठकर देखता है तो तकिया गायब। पर एक बात सच है कि वो मेरे बिना कभी खाना भी नहीं खाती, और खाए भी कैसे, मैं जाकर बनाऊं। बहुत अच्छा। अब मैं कोई पुरातत्ववेत्ता तो हूँ नहीं जो शादी के 10 साल बाद भी उसकी तारीफ करूँ, वो अपनी तारीफ अपने आप करती है। बिठावो तो बस में नहीं आती। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल समझते हैं, मेरी कविता समझने के लिए भी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि जो समझ जाता है वो 1 बार हंसता है, जो नहीं समझता वो 3 बार हंसता है। 1 बार तो वो सबको हंसता देख के हंस जाता है, दूसरी बार कविता समझ में आती तब हंसता है, तीसरी बार 3 घंटे बाद वो केवल इसलिए हंसता है कि अरे पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस गए। तो अब मैं कार कहाँ से लाता, महंगाई ज़्यादा है, और बम्बई में, गुजरात में तो पूरे देश, पूरी दुनिया से ज़्यादा महंगाई है। यहाँ तो 1 सुपारी 5 लाख रुपए की मिलती, और कुछ महंगाई टीवी के विज्ञापनों से बढ़ गई। अब मेरे एक मित्र हैं जो एक सन्यासी के पास जाते हैं, कहते हैं पत्नी को वश में करने का कोई मंत्र दे दो। अब उन्हें यही पता नहीं कि सन्यासी के पास ही पत्नी को वश में करने का मंत्र होता तो वो सन्यासी क्यों बनता। अब कुछ महंगाई टीवी के विज्ञापनों से बढ़ गई, जबकि विज्ञापन सब असत्य होते हैं। विज्ञापन आया बजट से कपड़े साफ होते हैं, बजट से मेरा पूरा घर साफ हो गया, कपड़े साफ नहीं हुए। एक हीरोइन लक्स से नहाई और गोरी हो गई। लक्स से ही कोई गोरा हो जाता तो पूरा मद्रास कश्मीर हो जाता। अब रोज आता है आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए, अरे जो 10 साल से बेरोजगार हैं वो आयोडेक्स मलते ही कौन से काम पर जावे। HMT घड़ी सही टाइम बताती है, जिसका जिंदगी में कभी सही टाइम नहीं आया उसे घड़ी क्या सही टाइम बताएगी। सोने जैसे गेहूं से बना आटा खाइए तो सोना ही दे दो, क्यों सोने का आटा बना रहे। तलवार जैसी धार वाला ब्लेड लीजिए, दाढ़ी बनानी है या गला काटना है।
अब चाइनीज फूड का विज्ञापन आ रहा, चाइनीज फूड, चाइनीज सीक्रेट, बिना चाइनीज फूड खाए ही तो 90 करोड़ हो गए। कुछ भी विज्ञापन आ जाता है बिना सोचे समझे, दिगंबर क्लॉथ मिल के कपड़े पहनिए, फिर भी पत्नी का मुझ पर एक एहसान है कि शादी के बाद जब वो हनीमून पर गई तो मुझे भी साथ ले गई, तो मैं उसकी छोटी मोटी डिमांड पूरी करता हूँ। कहा श्रीमती जी ने ज्वालामुखी जी म्यूजियम चले, मैंने कहा नहीं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे। बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे, म्यूजियम वालों को जरूरत होगी तो वो खुद आएंगे और तुझको ले जाएंगे। भक्तजनों, श्याम ज्वालामुखी ने अपने को माध्यम बनाकर जो आसपास बातें बिखरी रहती हैं उन्हें समेट कर कहना, यही कवि की चतुराई होती है। एक बात आपको मैं कह दूं क्षमा मांगते हुए कि हम लोग हास्य व्यंग में बड़ी ऊंची बात कभी कभी कह जाते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं। आदरणीय गुरुजी सामने बैठे हैं, परम संत हैं, लेकिन एक सच्ची घटना ऐसी बता देनी चाहिए जो वास्तव में घटी है। मैंने शाम को बंबई में कहा कि शाम तुम बंबई में जब भी किसी कार्यक्रम में आओ तो अपनी पत्नी को भी साथ ले आया करो, अकेले क्यों आते हो? तो शाम ने कहा कि बाबूजी मेरी पत्नी गांव की है, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी पत्नी गाँव की है। मैंने कहा क्या कहा? आपकी पत्नी गाँव की है? मैं तो समझा आपकी पत्नी आपकी है। बातें केवल बातें होती हैं। एक दिन इसका फोन आया कि आपसे मिलना है, मैंने कहा आ जाओ भैया। दोपहर में आ गया और उन दिनों टेलीविजन में आकाशवाणी में बहुत से प्रोग्राम हमारे साथ साथ हो गई थी। दोपहर में मुझसे मिलने आ गया भाईंदर से सीपी टैंक, और मैंने देखा कि हाफ पैंट पहने हुए था। मैंने कहा शाम तुमको बहुत से लोग जानते हैं, टीवी में देख चुके हैं, प्रोग्रामों में सुन चुके हैं, तुम हाफ पैंट पहन के आए हो और बाजार में से आए हो, बात क्या है? तो इसने जवाब दिया, मनहर जी आज सैटरडे है, हाफ डे है। जवाब तो अच्छा था, बोले आज सैटरडे है, हाफ डे है। मैंने कहा शाम कल संडे है, घर पे ही रहना। एक विशेष बात आपको कह रहा हूं, विशेष बात और सच्ची बात। सन्नी देओल को आप जानते हैं, धर्मेंद्र के पुत्र, उनके छोटे भाई बाबी देओल की शादी थी पिछले दिनों। ताजमहल होटल में समारोह था शादी का, कार्ड भेजे गए थे, कार्ड में नीचे लिखा हुआ था सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्ड लाना आवश्यक है। तो मैं भी उसमें आमंत्रित था, मैं कार्ड लेके गया, सुरक्षा अधिकारी ने मुझे आगे जाने दिया, उसमें से पास कर दिया। मेरे पीछे प्राण थे, एक्टर प्राण, प्राण को भी उन्होंने कार्ड देखा और आगे पास कर दिया। पीछे अमिताभ बच्चन थे, अमिताभ बच्चन जाने लगे तो सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रोक दिया, बोले आप नहीं जा सकते। तो हम दोनों, मैं प्राण, बड़े अचंभे में आए। अरे मैंने कहा अमिताभ बच्चन को आप रोक रहे हो, जानते नहीं क्या, क्या बात है, कार्ड भी है, क्यों रोक रहे हो? तो सुरक्षा अधिकारी ने बापू जी एक बात कही बड़े ध्यान से, वो हृदय में घर कर गई। बोलो मनहर जी आप भारतीय संस्कृति से वाकिफ हैं? मैंने कहा हाँ। भारतीय धर्म से भी? मैंने कहा हाँ। तुलसीकृत रामायण से भी? मैंने कहा हाँ। तो बोलो तुलसीकृत रामायण में साफ लिखा है कि प्राण जाए पर बचन न जाए। कहाँ से बात उठी थी, कहाँ तक जा पहुँची? बहुत सी बातें ऐसी है, कहीं से उठती है, कहाँ तक जा पहुँचती है। और आइए इस कार्यक्रम में एक विशेष अभिरुचि, अभिरुचि में के साथ संपन्नता, संपन्नता के साथ शब्द की अलौकिकता, इन सब को अगर आपको देखना है। मैं जानता हूँ मुरारी बापू के लिए माया जी ज़रूर कुछ कहेंगी, उनके पहले मैं भी जरा अपनी ओर से
अपनी भावना समर्पित कर रहा हूं बापूजी को कि मोती जैसी शुभ्रता और ज्योति जैसा ओज, मोती जैसी शुभ्रता ज्योति जैसा ओज, बापू के सानिध्य में खिलते हृदय सरोज, बापू के सानिध्य में खिलते हृदय सरोज, जो भी सुनते आपसे मिले खूब आनंद, वाल्मीकि के श्लोक हो या तुलसी के छंद, जो भी सुनते आपसे मिले खूब आनंद। जो भी सुनते हैं, मैं जानता हूं मेरी तरह आप लोग भी उतने ही कृतकृत्य होंगे जितने मैं हूं, जितना हम सब हैं। माया जी ने विशेष रूप से वैसे श्रृंगार के गीत लिखे हैं, फिल्मों के भी गीत लिखे हैं। फिल्मों में हर तरह के गीत होते हैं, आप जानते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जाता लेकिन सुना जाता है। लेकिन माया में एक विशेषता यह है कि इनकी दो किताबें, दोनों साहित्य किताबें हैं, उसमें छंद हैं राधा के कृष्ण के, और बहुत ही सुंदर किताबें हैं, कैसेट्स भी इनके निकल चुके हैं, और हर आने वाली 3 फिल्मों के बाद एक फिल्म में इनका गीत आपको जरूर मिलेगा। इतनी आपाधापी के युग में भी आज भी वो बरकरार हैं, साहित्य सेविका हैं, और साहित्य इतना अच्छा लिखती हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। समर्पित है आपके सामने माया गोविंद के भाव, आप जोर से माया गोविंद के सम्मान में जाना चाहते हैं। मनहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनहर जी अपने आप में एक बड़े ही सशक्त कलाकार हैं, ऐसे कवि हैं, ऐसे प्रस्तुत करता हैं, अच्छे ढंग से हम लोगों को प्रस्तुत करते हैं मंचों पर। आज मैं धन्य हो गई बापू के दर्शन के लिए। मैं बहुत सालों से ये समझिए बेचैन थी, मुझे मिलना था लेकिन कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनसे मुलाकात हो, कैसे उनके दर्शन हो। टीवी वगैरह पे तो कर लेते थे दर्शन। इस बंबई नगरी में बड़ी व्यस्त जिंदगी सबकी है, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आज जब ऐसा अवसर आया, मनहर जी ने मुझे बताया कि वहाँ चलना है, मैंने कहा मैं अवश्य जाऊँगी, ये अवसर मैं नहीं चूकूँगी, और जा करके उनके सामने बैठकर उनसे दो दो बातें करनी हैं, क्योंकि वो राम के भक्त हैं, नाम से मुरारी हैं और भक्त राम के हैं। मैं, मेरे पति राम हैं, उनका नाम राम है, और मैं गोविंद की भक्त हूँ मैं मुरारी की भक्त हूँ। तो एक ऐसे ही बैठे बैठे एक छंद मेरे दिमाग, क्योंकि मनहर जी ने अभी आप लोगों को बताया मेरी 2 पुस्तकों के बारे में, मैं अभी तक मैंने 5 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें ब्रजभाषा में मैंने काम किया है। तो मैं इससे पहले कि अपना परिचय, मनहर जी ने तो बहुत अच्छे से परिचय दिया है, मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में। पहले सुन ले, जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने प्यालों की परस्तिश की वो खयाम हुए, जिसने प्यालों की परस्तिश की वो खयाम हुए, और हमने तो जिंदगी भर आदमी की पूजा की, दोस्तों हम तो इसी बात पे बदनाम हुए। आपका की सराहना, आपकी तालियां हम कवियों को एक नया जीवन दे जाता है, और हमें लगता है कि हमारा सुख और दुख आपने बांट लिया। तो एक खास तौर पे एक शेर आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि आग तुमने कहाँ लगाई है, आग तुमने कहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आंच आई है, और तुम इधर से अगर नहीं गुजरे तो ये खुशबू कहाँ से आई है। बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। अब मैं वो छंद आपके चरणों में रख रही हूँ, सुने के आज बड़े भाग राम भक्त के दरस भय, आज बड़े भाग राम भक्त के दरस भय,
पावन हुआ रे मेरो तन मन धाम है, आज बड़े भाग राम भक्त के दरस भय। पावन हुआ रे मेरो तन मन धाम है, नाम से मुरारी पर राम जी के भक्त हैं ये, नाम से मुरारी पर राम जी के भक्त हैं ये, राम और मुरारी हमें दोनों ही से काम है, राम और मुरारी हमें दोनों ही से काम है। तो राम के स्वरूप को बताने श्री मुरारी आए, राम के स्वरूप को बताने श्री मुरारी आए, हमें मुक्ति मार्ग मंत्र दिया राम नाम है। और मेरे जो गोविंद वही राम, भक्तों के राम, राम जी के भक्त को हमारी राम राम है, राम जी के भक्त हमारी राम राम है। और एक क्षण मैंने और लिखा है कि एक प्रसंग था कि तुलसीदास जी को उनके भाई मंदिर में ले गए कृष्ण जी के, और कहा कि दर्शन करें। वो अभी ये जिक्र कर रहे थे तो उसमें मैंने एक छंद लिखा है, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुन लें, फिर मैं गीत सुनाऊंगी अपना। कि एक बार की है बात राम भक्त तुलसीदास, एक बार की है बात राम भक्त तुलसीदास, भ्राता संग कृष्ण जी के मंदिर में जो गए। कृष्ण जी की सांवरी सूरतिया को रूप देख, व्याकुल भये और अकुलाए नैन रो गए। बोले मैंने तुमको ही ध्याया है ओ मेरे राम, बोले मैंने तुमको ही ध्याया है ओ मेरे राम, धनुष और बाण प्रभु तोरे कहाँ खो गए, धनुष और बाण प्रभु तोरे कहाँ खो गए। तो मुरली हटा के लिया हाथों में धनुष बाण, पल में मुरारी तुलसी के राम हो गए, पल में मुरारी तुलसी के राम हो गए। और मैं अब आपको गीत सुनाना चाहती हूँ। ये गीत मैं जो सुनाने जा रही हूँ, ये वो गीत है जो मैं हर कवि सम्मेलन में, समारोहों में सबसे पहले पढ़ दिया करती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे और आपके बीच में ऐसी महान आत्माएं जरूर होती हैं आसपास, जो कभी किसी की प्रगति नहीं देख सकती। उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत मैं निवेदन कर दिया करती थी, तो हर कवि सम्मेलनों में ऐसा हुआ था। लेकिन आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, इस गीत को सुनिएगा कि जो डिजर्व करते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो वास्तव में जिस चीज के हकदार होते हैं उन्हें वो हक नहीं मिलता। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, गीत सुने। स्वागत है। हमने डाले बीज प्यार के उसने कांटे बोए, हमने डाले बीज प्यार के उसने कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए। दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। हमने डाले बीज प्यार के उसने कांटे बोए। पंक्तियां देखिएगा, जहां ऋतु बसंत है वहीं पतझर भी है। कि ऋतु बसंत की डोर अरे पतझर से किसने बांधी, ऋतु बसंत की डोर अरे पतझर से किसने बांधी, उनके घर में गई चांदनी मेरे घर में आंधी, उनके घर में गई चांदनी मेरे घर में आंधी। सतरंगे सावन से भी ना तो मेरे आंगन में कभी सावन आता है न फागुन आता है, सतरंगे सावन से भी कोई संबंध नहीं है, सतरंगे सावन से भी कोई संबंध नहीं है, मदिराए फागुन से भी कोई अनुबंध नहीं है, मदिराए फागुन से भी कोई अनुबंध नहीं है। मेरे लिए मौसम भी, मेरे लिए मौसम
मौसम भी मेरे लिए मौसम भी नवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, हमने डाले बीज प्यार के उसने कांटे बोए। जब लोग दुख देते हैं तोड़ते हैं तो वो समझते हैं कि ये बिखर गया टूट गया, लेकिन इसमें मैं इन पंक्तियों में कहना चाहती हूँ कि लोग कुछ भी कहें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जब कोई समाप्त करता है किसी को तो और उभर के सामने आना चाहिए। उस बात को मैं कैसे कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि टुकड़े मेरे किए तो मैं बन गई एक से ग्यारह। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। टुकड़े मेरे किए तो मैं बन गई एक से ग्यारह, चिनगारी सहते सहते मैं हुई गगन का तारा, चिनगारी सहते सहते मैं हुई गगन का तारा। इतना कठिन किया मुझको, इतना कंफ्यूज किया, इतना कठिन किया मुझको, मैं सहज सरल बन बैठी। इतना कठिन किया मुझको, मैं सहज सरल बन बैठी। इतना मुझे तराशा के मैं ताज महल बन बैठी। इतना मुझे तराशा के मैं ताज महल बन बैठी। झुकते झुकते हम तो बस, झुकते झुकते हम तो बस, झुकते झुकते हम तो बस आदाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। अब ये पंक्तियां देखिएगा कि उसने भेजा जहर वो मैंने मीरा बन पी डाला, उसने भेजा जहर वो मैंने मीरा बन पी डाला। अब भावर मेरी हुई धुएं से तभी बनी मैं ज्वाला, भावर मेरी हुई धुएं से तभी बनी मैं ज्वाला। मेरे दिल के लहू का मुझको तोहफा दिया निराला, तो मैंने उसे महावर करके पैरों में रच डाला, मैंने उसे महावर करके पैरों में रच डाला। उनकी कामना पे हम तेजाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। अब अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, जिसमें एक बात कहने की कोशिश की है कि कभी कभी जो बोलता है उसको लोग कहते हैं तो बहुत बोलता है, जो नहीं बोलता है उस पर भी लोगों को शिकायत होती है, ये नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। हर तरह से जीना इंसान के लिए आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, तो कभी कभी जो चुप रहता है, खामोश रहता है, उसका मौन इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि मौन बोलने लगता है। जब मौन बोलने लगता है, बात देखिए पंक्तियां कह रही हूं कि बिन बोले ही मौन मेरा चर्चित संवाद हुआ है, बिन बोले ही मौन मेरा चर्चित संवाद हुआ है, जाने कितनी बार आंसुओं का अनुवाद हुआ है, जाने किस। लोग कहते हैं अरे ये रो रही है, झूठ है, ये दिखावे के आंसू हैं। कोई कहता नहीं सचमुच रो रही है, कोई कहता अरे आंसू थोड़ी है, दिखावा पानी लगा लिया होगा, कोई कहेगा ये तो ग्लिसरीन डाल ली होगी। आंसुओं के भी अनुवाद हुए। पंक्तियां देखिए कि बिन बोले ही मौन मेरा चर्चित संवाद हुआ है, जाने कितनी बार आंसुओं का अनुवाद हुआ है। कलाकार को काल कोठरी जाहिल की जय बोली, कागा को सम्मान पत्र, कोयल को मारी गोली, कागा को सम्मान पत्र,
कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। हमने डाले बीज प्यार के, उसने कांटे बोए। क्या बात है, वाह 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 वाह। शैल जी को ना फिर और ठीक और ठीक है। वीनू भाई यहाँ लाए हैं, वीनू जी की बात मानिए, और अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो वापिस नहीं पहुँचाएंगे। खैर वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा मैं जानता हूँ, लेकिन वीनू भाई एक बात मेरे मन में बहुत सी बातें आ जाती है। मुझे याद है अमेरिका में एक आदमी ज़्यादा बोलता गया तो ऑडियंस में से एक आदमी ने पिस्तौल निकाल ली। तो उस आदमी ने कहा क्या बात है, क्या आप मुझे शूट करेंगे? बोलो नहीं साहब, आप तुम्हारे मेहमान हैं, आप तो बोलते जाइए, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो आपको यहाँ लेकर आया है। हमें यहाँ वीनू भाई मेहता लेके आए हैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ। लेकिन माया जी से प्रार्थना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे गीत सुनाती हैं, कभी कभी इतने अच्छे गीत सुनाती हैं कि चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, पत्थर तराशने का हुनर आ गया इसे। पत्थर तराश कर जो हुनर बनता है वो कभी कभी इन गीतों में आ जाता है। मैं माया जी से निवेदन करता हूँ कि एक गीत और ब्रज भाषा के, इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए है। एक गीत गंगा और एक गीत जमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। मैं ब्रज भाषा के चार छह छंद प्रस्तुत कर देती हूँ। राधा और कृष्ण ने जिस समय महारास रचाया, उस समय राधिका ये भूल गई कि वो राधिका है और कृष्ण ये भूल गए कि वो कृष्ण। क्या बात, दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए कि उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा, वो ये भूल गए कि वो स्त्री है कि पुरुष। ये दृश्य एक सखी ने देखा और दूसरे दिन दूसरी सखी को बताया। क्या वो क्या बता रही है यही इस छंद में निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी भई अनहोनी सखी, ऐसी भई अनहोनी सखी, अपनी छवि ना पहचानत राधा, ऐसी भई अनहोनी सखी, अपनी छवि ना पहचानत राधा। और रोवई जसोदा, यशोदा जी रोने लगी, रोवई जसोदा के टोना भयो, कान्हे आपन नाम बतावत राधा, रोवई जसोदा के टोना भयो, कान्हे आपन नाम बतावत राधा। और घूंघट में उत श्याम ठड़े, उल्टा हो गया, घूंघट में उत श्याम ठड़े, हित बेसुध बंसी बजावत राधा, घूंघट में उत श्याम ठड़े, हित बेसुध बंसी बजावत राधा, श्याम ही श्याम पुकारत श्याम, और राधा ही राधा पुकारत राधा, श्याम ही श्याम पुकारत श्याम, और राधा ही राधा पुकारत राधा। अब एक देखिए छंद जिसमें राधिका ने श्रृंगार किया, आप देखें कि राधा ने जब श्रृंगार किया, श्रृंगार रस का छंद है सुनिएगा, तो राधा कैसी लग रही है। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखने की हैं कि राधा का चंद्रमा जैसा मुखड़ा है और घूंघट सुनहरे रंग का उसके मुखड़े पे पड़ा है। अब आप देखिए मैंने क्या वर्णन करने की कोशिश की कि मांग भर बिंदिया, घूंघट पड़ा है सुनहरा, मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने,
मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। मांग जब मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। और कजरा लगावे तो या लागे के समुंदर माँ, कजरा लगावे तो या लागे के समुंदर माँ मछरी फसाए लई मछुओं ने ढोरी में। कजरा लगावे तो या लागे के समुंदर माँ मछरी फसाए लई मछुओं ने डोरी में। ओ गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरा यूं, गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरा यूं, जैसे चांद रखे कोई सोने की कटोरी में। गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरा यूं, जैसे चांद रखे कोई सोने की कटोरी में। और नाक मन थनिया व धीरे धीरे डारे ऐसे, नाक मन थनिया व धीरे धीरे डारे ऐसे, जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में। और जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में। एक छंद और निवेदन कर रही हूँ। भगवान कृष्ण की हीरे की अंगूठी खो गई, मुंदरी कहते हैं, मुंदरिया ब्रज में कहते हैं, मुंदरी भी कहते हैं, मुंदरिया देहाती भाषा, और अंगुरिया कहते हैं उंगली को, अंगुरिया में अंगूठी पहनी जाती है। बस ये दो पंक्तियां देखें कि राधा की अंगूठी, कृष्ण की अंगूठी खो गई और राधा की लट में अटक गई। ललिता सखी ने देखा वो अंगूठी निकाली और जाके कन्हैया को दे के लो कान्हा, मैंने तुम्हारी ये अंगूठी ढूंढ दी है, अब मुझे कुछ भेंट दो, कुछ इनाम दो, उपहार दो। तो इस छंद में कृष्ण क्या उपहार देते हैं और गोपी उस उपहार पाने के बाद क्या कहती है, यही इस छंद में कहने का प्रयत्न किया है। देखें कि मुंदरी उरझ गई राधिका की लट बीच, मुंदरी उरझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। मुंदरी उरझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। तो ललिता ने पाए लई, ललिता को मिल गई, ललिता ने पाए लई मुंदरी सहेज लई, और श्याम जू को जाए दई हीरे की मुंदरिया। तो बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम। तो बोले श्याम चू मिले ओ मोरिया गुरिया। कृष्ण ने क्या इनाम दिया कि मेरी उंगली चूम लो। बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, तो बोले श्याम चू मिले ओ मोरिया गुरिया। तो चूमत हसत जात ललिता कहत जात, के राम करे खोए जाए तोरी या बसुरिया, के राम करे खोए जाए तोरी या बसुरिया, राम करे खोए जाए तोरी या बसुरिया। और एक और छंद आपको सुना रही हूँ के नारी जब, मैं आपको एक ऐसे ऐसा क्षण सुनाना चाहती हूँ कि दो सहेलियाँ, आप इसका शिल्प देखिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि दो सहेलियाँ तालाब में नहाने गईं। एक सुंदरी जो है लड़की है वो तालाब में नहा रही है, दूसरी किनारे बैठी है। दो सहेलियाँ, जो नहा रही है उसने श्वेत रंग की सफ़ेद रंग की साड़ी लपेटी हुई है और वो स्नान कर रही है। आपको मालूम है कि नदी तीन, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों के रंग मालूम है, गंगा का श्वेत, यमुना का काला रंग, और सरस्वती गुप्त रूप से आके मिलती है, उसका रंग गुलाबी माना गया है। अब देखिए सखी क्या कह रही है, ये देखिएगा जरूर। के लहरत है घुंघरारी घनी कजरारी, लटे जो बहे जमुनोरी। तेरी जो ये लटे हैं ये जमुना की तरह लग रही है। के लहरत है घुंघरारी घनी कजरारी, लटे जो बहे जमुनोरी। और उजर सारी सफेद साड़ी, उजर सारी शरीर सजी, तोरी सारी ने गंग तरंग गहोरी। वो गंगा की तरंग जैसी लग रही है। के लहरत है घुंघरारी घनी कजरारी, लटे जो बहे जमुनोरी, उजर सारी शरीर सजी, तोरी सारी ने गंग तरंग गहोरी। ओ अंग गुलाबी सरस्वती से,
अंग गुलाबी सरस्वती से कभी देखे कभी चुनरी में छिप्योरी, अंग गुलाबी सरस्वती से कभी देखे कभी चुनरी में छिप्योरी, तो राखी त्रिवेणी स्वरूप बता फिर ताल में काहे नहात हो गोरी, राखी त्रिवेणी स्वरूप बता फिर ताल में काहे नहाती हो गोरी। माया जी के इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों बहुत सी बातें मैं संचालन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है, फिर कभी याद आता है तो उसे सुनाता हूँ तो और अच्छा लगता है। माया जी को एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूँ कि रूप जब सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, रूप जब सरोवर में नहाता है चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, अरे आग पानी में लगा जाता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर आग पानी में लगा जाता है। मुझे याद है एक कवि सम्मेलन में एक शायर आ गए थे, शायर को मैंने कहा भाई आप कुछ पढ़िए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी गजल पढ़ी ताजमहल पर। ताजमहल पर गजल पढ़ते वक्त अंतिम जो दो पंक्तियां थी अंतिम उनकी ये थी कि शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में और ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में, शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में। वहीं शैल जी बैठे थे, शैल जी ने मुझे कहा भाई साहब इसी सब्जेक्ट पे मैं भी दो पंक्तियां सुना दूं, मैंने कहा जरूर सुना दो। शैल जी ने वहीं दो पंक्तियां सुनाई कि उड़ना तो चाहता हूं परवाज नहीं मिलती, उड़ना तो चाहता हूं परवाज नहीं मिलती, मैं ताज तो बनवा दूं मुमताज नहीं मिलती। वो सीन जब मुझे याद आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कभी कभी उसमें कुछ शेर सुने थे, मेरी इच्छा थी कि मुरारी बापू के सामने कभी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर कहूँगा। कुछ शेर थे उसे अच्छे कार्यक्रम थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। क्या बात, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। क्या बात, इतने हिस्से में बट गए हैं हम, नूर साहब का है कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, सच को घटा दो या बढ़ा दो तो सच सच नहीं रहता और झूठ की कोई इंतहाई नहीं, झूठ की कोई इंतहाई नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। कभी कभी ऐसे शेर सुनने को आ जाते हैं, अच्छा लगता है। एक बहुत बढ़िया बात आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। मैंने कभी सुना था कहीं कि रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं, रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं, मगर चार फूल काफी हैं अर्थियां सजाने को। रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं, मगर चार फूल काफी हैं अर्थियां सजाने को। याद भूल जाने को एक उम्र कम है, मगर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को, एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। कभी कभी आदमी अगर वो भूल न करे तो अच्छा है, संतों का प्रवचन सुने, भक्तों की महिमा सुने तो शायद भूल न करे। बापू के सामने मैं कह रहा हूं कि आसमान से देवता जो उतारे जाएं, आसमान से देवता जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। आज का वातावरण, आज का माहौल, आज की स्थिति, आज का रंग ऐसा हो गया है कि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर सकता है तो वो संत होगा, भक्त प्रवर होगा, कवि होगा, लेखक होगा, गायक होगा। मैं आपके सामने इसके पहले कि श्रेष्ठ देश के हास्य व्यंग के कवि भाई शैल, जिसने अनेक टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं आज भी,
कई फिल्मों में भी काम किया वो आपको सुनाएंगे। उसके पहले अपनी एक बात कहना चाहता हूँ मुरारी बापू के सामने। बीबीसी रेडियो लंदन से मेरे पास फोन आया कि मन्नर जी आप हास्य रस के कवि हैं, हमें बीबीसी रेडियो लंदन से ब्रॉडकास्ट करना, केवल दो पंक्तियां सुना दीजिए। मैंने कहा केवल दो पंक्तियां? बोले हाँ साहब, देश की स्थिति पर केवल दो पंक्तियां। तो मैंने जरा उनकी परीक्षा लेने के लिए, देखिए कभी कभी आदमी सोचता ना कि ये इतनी बड़ी बात कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने कहा जो गुनाहों में सने हैं उनकी क्यों चर्चा करें, जो गुनाहों में सने हैं उनकी क्यों चर्चा करें, जो गुनाहों से बचे हैं उनको हम सिज़दा करें, जो गुनाहों से बच गए उनको प्रणाम करें, सिज़दा करें। उन्होंने कहा नहीं साहब मन्नर जी, हमें तो डायरेक्ट चाहिए, आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट कोई भी दो पंक्तियां बोलिए। मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट दो पंक्तियां बोल रहा हूं कि मेरे देश के नेता, मेरे आओ मेरे देश के नेता किन हालात में हैं, सुन लो मेरे देश के नेता किन हालात में हैं, कुछ हवा में, कुछ हवाले में, कुछ हवालात में हैं, कुछ हवा में, कुछ हवाले में, कुछ हवालात में है। देश के हर अखबार ने ये पंक्तियां छापी, मुझे बहुत से पत्र मिले, आशीर्वाद भी मिला। अब इन पंक्तियों के साथ मैं जोड़ रहा हूं कविवर शैल की उस ऊर्जा शक्ति को, उस मेहनत को, उस दिमाग की उपज को, जिस दिमाग की उपज ने देश को हंसाया है, देश को आगे बढ़ाया है। कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी ये कह देता है जिससे आदमी रो भी देता है, लेकिन फिर भी इसके पास जो ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, हौसला है, वो इसका अपना है। जोर से आप शैल चतुर्वेदी के सम्मान में एक बार। पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम भेजता हूं और उनके श्रोता यहां बैठे हैं, श्रोता बंधव, श्रोता बांधवियां, ठीक है, जो सदैव राम कथा के आसपास रहते हैं, बधाई के पात्र हैं आप लोग। जिंदगी में कविता पढ़ने के कई अवसर आए, पढ़ता ही रहा हूं, लेकिन ऐसे स्थान पर कविता पढ़ना जहां राम का भंडार है, जहां के कण कण में राम समाया हुआ है, और जहां रोज राम को आवाज दी जाती है, मैं भावा विभूत हूं। और पूरे देश में एक ही नगर ऐसा है, भावनगर, जहां भाव मिलता है। आदरणीय बापू जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, कई बार कहा उन्होंने। तुम्हें समझ के आया हूं कि मेरे पास कविता तो है ही नहीं, शब्द तो बापू के पास हैं, मैं तो अकिंचन व्यक्ति हूं, हृदय की प्यास लिए यहां पर आया हूं बापू को दर्शन करने के लिए। मैं हासिल का कवि जरूर हूं, लेकिन एक बात कहता हूं आपसे, जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। आंसू बड़ी चीज है और मैंने इसी आंसू को राम की कृपा से हास्य का जमा बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और मैं सही जगह आया हूं जहां मेरा हास्य नहीं आंसू पे बैठा रह जाएगी। थोड़ा सा हास भी, क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं कि मोटा तगड़ा व्यक्ति जो है, बच्चे तो डरते हैं, बच्चे ने कहा कि वही है क्या जो हमने जू में देखा था, ऐसा भी बच्चे बोल देते हैं। एक बच्चे को मैंने बिठाया गोद में, रो रहा था बेचारा, रामलीला देख रहा था, मैं गोद में बिठाया उसे, चुप हो गया। मैंने पूछा बेटे कहाँ बैठे हो, तो बोले अंतल जी हिमालय की गोद में। तो अपने साथ तो ये हुआ करता, लेकिन बच्चा चुप हो गया, इसकी बड़ी खुशी हुई।
अभी माया जी कविता पढ़ रही थी, सुंदरी का बखान कर रही थी, अभी सुंदरी का बखान कर रही थी, मैं क्या सुंदरा का करूं? दोस्तों मैं बापू जी, मैं जरा क्षमा मांगता हूँ, ये थोड़े से मूड में आ जाएं। मुझे याद है इनके पड़ोस में एक सरदार जी रहते हैं, सरदार जी ने एक ट्रक खरीदी और ट्रक खरीद करके शैल जी से कहा कि ट्रक के पीछे स्लोगन लिखे रहते हैं, तो शैल जी कोई ऐसा स्लोगन बताइए जो नया हो, ताज़ा हो और किसी दूसरे ट्रक वाले ने इस्तेमाल न किया हो। उसने उदाहरण दिया जैसे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसे ही कोई स्लोगन बताइए। तो शैल जी ने उसे स्लोगन बताया कि तुम ट्रक के पीछे लिखो कि बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे जी हैं, बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर तेरा वे खून पिए। नहीं भाई साहब, कभी कभी ट्रक के ऊपर और कुछ लिखा हुआ मिलता है, लोग ध्यान देते नहीं है, ध्यान से देखे तो बड़ा मजा आपका, बड़ी बारीक बात होती है। अब चले जा रहे हैं मस्ती में आप, छुट्टी का दिन है, मियाँ बीबी नई नई शादी, चलो पैदल घूमने चलें, बगीचे निकल चलें। पीछे से एक ट्रक आता है और ये मरते मरते बचते हैं, मियाँ बीबी बच गए, बड़ी खुशी, चलो बच गए, लेकिन पीछे भी लिखा क्या देखेंगे, फिर मिलेंगे। छोड़ूंगा नहीं, भारतीय ट्रक हूं मैं, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अभी देखिए ना क्या, क्या स्थिति हो जाती है, क्या दृश्य हो जाता है। माया जी इतनी अब मैं सुंदर तो नहीं कहूं, क्योंकि जो है उसको सुंदर क्या कहना, लेकिन माया जी के बाद मेरा नाम आपको ऐसा लगा होगा जैसे मायावती के बाद देवगढ़ आ गए। माया जी बोले कि रंग काला पोत लो, अरे सफेद कपड़े दिख रहे हैं, दिल तो काला है। चलिए मैं आपके सामने कुछ पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ने के पहले मैं केवल प्रणाम करने नहीं आया हूँ बापू को, यहाँ से कुछ लेके जाना चाहूँगा, और जो लेके जाना चाहता हूँ वो मैं चार छः पंक्तियाँ मेरी हैं, ये भावनगर के भाव ने बनवा दी। एक ही नगर है जहाँ अभाव नहीं है, भाव है, सुने। सौ सौ नमन मुरारी बापू, सौ सौ नमन मुरारी बापू, कर दुख हराना मुरारी बापू, सौ सौ नमन मुरारी बापू, कर दुख हराना मुरारी बापू। सागर तट से बंबई से लेखारा जल, कौन तक खारा जल जो मेरे भीतर समाया हुआ है बरसों से, आज तक कोई रास्ता नहीं मिला, किसके सामने कहूं अपनी पीड़ा, कह रहा हूं। सागर तट से लेखारा जल, आया शरण मुरारी बापू, सौ सौ नमन। अंतिम पंक्तियां, राम कथा सा, राम कथा सा निर्मल करू दे अंतःकरण मुरारी बापू। भाई क्या बात है, राम कथा निर्मल करते, भाई क्या बात है। ये मैं तीन पंक्तियां बापू अपने स्वार्थ स्वार्थ लेके आया था, चरण पकड़ लूंगा अगर उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया तो, बस देंगे। हाँ भैया थोड़ा सा आ जाओ। एक बात मनोहर जी ने बताया मेरे बारे में आपको, मैं तो आपके बारे में वो बताना भूल गया गुरुजी। एक बार एक कवि सम्मेलन में स्वीकृति दे के बहुत देर से आए, तो मैंने कहा शैल जी देर कैसे कर दी, बोले यार एक जन्नत फिल्म चल रही है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, जन्नत में उससे देर हो गई, तो
तो मैंने सहज जी से कहा कि जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, तेरी जन्नत गई जहन्नुम में। यार आनंद। एक बार भाई साहब मना जी क्या हुआ, मैं एक फिल्म में काम मांगने के लिए गया, तो बड़ा बढ़िया फिल्म थी वो, बहुत पीछे पड़ा रहा, तो वो डायरेक्टर से नाराज हो गया, बोले देखो भाई जल्लाद करोड़ करोगे, जल्लाद करोड़ करोगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे जल्लाद, मैं कविता पढ़ता हूँ भाई मंच पर जा करके, क्या बोलेंगे लोग। चलो 3 साल बाद फिर मैं गया, तो उसने कहा भैया फिल्म बन गई तैयार हो गई, बोले नहीं यार जल्लाद नहीं मिला। अब दोस्तों बहुत सी कीड़ियां चीटियां मुंगियां जिसे मराठी में कहते हैं, वो सड़क पार कर रही थी, कई रंग की, जैसे कई जात के लोग मेरे देश में रहते हैं, लाल पीली हरी काली नीली सफेद। महाराज जी ने नई नई गाड़ी ली थी सैलो, और ये लोग साथ में, तो पहली बार शायद क्या मैं कहते, पहली गाड़ी में तो भाभी ज्यादा नहीं बैठती थी क्योंकि वो ठीक थी, सेरो नहीं आई तो बोले चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, एक प्रोग्राम में जाना था। चींटियां देख के रुक गया कि मैं गाड़ी पार करता हूँ सड़क पर तो चींटियां मर जाएंगी, रुक गए। भाभी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है भाई चींटियां मर जाएंगी, तो भाभी ने कहा देखो भगवान भाव की बुके होते हैं, एक आध चींटी बचा लो भगवान को तुम्हारे भाव का पता लग जाएगा, फालतू बात मत करो, जितने सामर्थ्य हो उतना ही काम करो, बचा लो। तुम्हारे मनर जी ने बड़े प्यार से चींटी उठाई, बचा ली, हाथ पर रख ली, चींटी बच गई, बड़े खुश हुए कि देखो मैंने चींटी बचा ली। चींटी बोली थैंक यू मनर अंकल जी, आपने मेरी जान बचाई, वैसे भी आज मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मनर जी बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये होता है जिंदगी में, मैं कविता शुरू करने से पहले एक 4 से 5 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि रामायण तो पढ़ते ही हम सुनते भी हैं, तो कभी भाव आया थोड़ा सा, वो मैं इसलिए कि प्रणाम के रूप में पढ़ देता हूं, उसके पश्चात मैं अपने हास्य कविताएं सुनाऊंगा आपको, ज्यादा मैं गंभीरता की ओर लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं माया जी ने जो पोस्टर लगाया था अपनी कविता का, उस पर अपना पोस्टर नहीं लगाना चाहता। दिल्ली में पोस्टर पर पोस्टर लगाए जाते हैं, वहां पर पोस्टर पर पोस्टर लगाने की वहां पर परंपरा है, एक पोस्टर उस पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया, अपनी दीवार पोस्टर पोस्टर पर। अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली जा रहे, पोस्टर लग गया, पोस्टर पर पोस्टर लगा, पीछे वाला पोस्टर नीचे वाला कि नौ दंपति सब लोग क्लिनिक, नौ दंपति निराश न हो, नीचे वाला पोस्टर लालू यादव शहर में। ये पोस्टर पे पोस्टर लगते हैं ऐसे। तो 4 से 5 पंक्तियां रामचरित मानस को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसी को पढ़ देता हूं, उसके पश्चात फिर मैं आपके सामने वो कविताएं पढ़ता हूं। जहां रामायण हो राम वहां, धरती के चारों धाम वहां, जहां रामायण हो राम वहां, जहां रामायण हो राम वहां, हर दोहा जमुना की धारा, हर दोहा जमुना की धारा, चौपाई गंगा जल प्यारा, चौपाई गंगा जल प्यारा, छंदों में सरजू नीर बहे, छंदों में सरजू नीर बहे, गोस्वामी तुलसीदास के मन पाता है आराम महा, जहां रामायण हो राम वहां, जहां रामायण हो राम वहां।
अब मैं मनोज जी ने बताया नेताओं के बारे में, कहा इनने भी कहा, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी नेता को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, कविता तो उन पर लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीओ को वो नहीं रह गए कि उन पर कविता लिखी जाए। ठीक बात है, ये बात है। बाबा तुलसी के जमाने में राम थे नेता, लिखी रामायण युग युग बदलने के लिए काफी है। कृष्ण के जमाने में सूरदास ने लिखी, उनको नेता मिल गया, ऐसे मिलते रहे लोग, लेकिन हमको जो मिले उन्हें भी लिखना पड़ता है, क्या करें। फिर भी नेता बहुत जरूरी है देश के लिए, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुलेआम नजर आते हैं। डेमोक्रेसी के ये परिणाम नजर आते हैं कि चोर खादी में खुलेआम नजर आते हैं, जो कल तोला न थे न माथा थे न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। जो कल तोला न थे न माचा थे न रत्ती थे, वही कुर्सी पे किलोग्राम नजर आते हैं। तो निवेदन करता हूं कि नेता बहुत जरूरी है देश के लिए। क्यों, मैं सिद्ध करता हूं, मैं देश के लिए नेता यहां से कविता शुरू करता हूं, और मुझे कोई रास्ता नहीं है, वही मुझे समाप्त करना पड़ेगा झक मार के। देश के लिए नेता मैं तो शुरू करता हूं, और देश के लिए नेता पर कविता समाप्त होगी। देखिए आप, देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए वोट, वोट के लिए वोटर, वोटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग, और मांग के लिए सिंदूर, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए जिला, जिले के लिए प्रांत, प्रांत के लिए देश, और देश के लिए नेता। क्या बात है। लेकिन नेता ठीक, हमारे बीनू भाई भी नेता हैं, आज तो हैं मेरे नेता, वो हमको यहाँ पे लेके आए हैं, और ऐसे नेता देश को मिलना चाहिए जो सही रास्ता दिखाए, सही तरह से हमको यहाँ पर ले आए। मनोहर जी भी हमारे नेता हैं, तो नेता हर जगह होते हैं, लेकिन नेता अगर कमबख्त मंत्री बन जाए तो फिर क्या, सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या नेता के साथ में मंत्री बनने के पर, उसे पता ही नहीं होता करना क्या, कर दिया ना कबाड़ा देश का, सरकार नहीं बन रही, नेता नहीं मिल रहा, मायावती को बना दिया 6 महीने के लिए, कहा कि सब कुछ 6 महीने में हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, 9 महीने के बाद जो कुछ हो सकता है, 6 महीने बाद कैसे होगा, 6 महीने में क्या होना है। तो फिर जब नेता मंत्री बन जाए तो क्या करें, उस पर 4 पंक्तियां बापू के चरणों में रख रहा हूं, मेरी सबसे बढ़िया पंक्तियां हैं, सुनिए 4 पंक्तियां। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी, ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चला कर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी, ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी, भगवान के भरोसे चल जाएगी। क्या बात है। एक कविता छोटी सी याद आ रही है, एक महानुभाव हमारे घर आए, हमने पूछा तो आंखों में आंसू भर लाए, बोले रिश्वत लेते पकड़ गए हैं, भ्रष्टाचार समिति वाले अकड़ गए हैं। मैंने कहा, सच कहता हूं, मैंने नहीं मांगी थी, देने वाला खुद दे रहा था और पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। देने वाला खुद दे रहा था, पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था। अब आप ही बताइए, घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, क्या लेन देन भी रिश्वत कहलाता है। मैंने भी उसका एक काम किया था, एक सरकारी ठेका उसके नाम किया था, उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, और ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है। उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से है। एक कविता सुनाने का मन है, थोड़ा सा व्यंग भी है, हास्य भी, देखें आप किस तरह से बन जाती है कविताएं, और मैं तो ऐसी कविताएं बुना करता हूं जिसमें कुछ सार्थकता हो तो अच्छा लगता है मुझे। एक सुनिए कविता, मैंने कल्पना की बापूजी कि जहां भी ईमान होगा ना, वो ऐसे आश्रम में ही होगा, कोठियों में नहीं होगा।
मां रह ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। हमें अगर ढूंढना पड़ जाके ढूंढना पड़ेगा ईमान को, तो हमें जंगल ही जाना पड़ेगा, आश्रम में ही जाना पड़ेगा। इसी पर कविता लिखिए, सुनिए आप। ईमान जी को खोजते खोजते जैसे ही उनके आश्रम में पहुंचे तो आश्रम की जगह कोठी नजर आई। हमने जैसे ही कॉल बेल दबाई, एक नारी बाहर निकल करके आई। बोले किससे काम है भाई? हमने पूछा ईमान जी घर पर हैं? वो बोली ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। ईमान जी को गुजरे हुए बरसों बीत गए, आजकल यहाँ बेईमान जी रहते हैं। मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे महंगाई कहते हैं। हमने कहा ईमान जी की एक बेटी थी? बोले जी हाँ गरीबी। हमने पूछा ईमान जी की एक बेटी थी? बोले जी हाँ गरीबी, पीछे वाले झोपड़ी में रहती है। उसने हिंदी के टीचर से शादी कर ली, अपनी रेशम जैसी जवानी खादी कर ली। 50 वर्षों में कपूतों के ढेर लगा दिए। अपना तो एक ही सपूत है, भ्रष्टाचार। सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना उसे प्यार से शिष्टाचार कहता है। सामने वाले बंगले में रहता है और जमाना प्यार से उसे शिष्टाचार कहता है। मेरा बेटा भ्रष्टाचार जिसके साथ है, उसकी आंगन में अंगड़ाई लेती है गुलाबी रात, दरवाजे पर दस्तक देती है सुनहरी भोर, उसके हाथ में चांदी का जूता है, जिसके सर पर पड़ता है वही चिल्लाता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर। एक दूसरे प्रकार की कविता, चुनाव के दिन है, पता नहीं चुनाव हो भी सकता है, न हो तो अच्छा है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं क्या कर डाले। हवाला की बात की थी, भाई साहब आप थोड़ा सा नजरिया बदलिए। आपने मुमताज की बात की, मुमताज नहीं मिलती, ताजमहल तो बहुत है भैया। नजर में, नजर की बात है तो नजर में जो बस जाए वही मुमताज होती है। क्या करें, पैसा नहीं है। मैं शाहजहां तो हूं नहीं, आप पैसा दिलवा दो, बम्बई रहते हो, बड़े बड़े 7-8 लाख के दोस्त हैं, मैं ताजमहल कल बनवा दूं। लेकिन ताजमहल बनवाने से फायदा क्या? एक ताजमहल तुम्हारे आगरे के पीछे पड़ा हुआ है, आगरा को नष्ट करने में लगा हुआ है। खैर, एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है। मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा है उसे आप खाइए। हमने कहा देश कैसे खाया जाता है? बोले ये महुआ में नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है। ये पापू क्या नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है, वहां एक से खाने वाले बैठे हैं, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। फिर मुस्कुराकर बोले कि हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए। डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। हमने पूछा सुना कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? बोले जी हाँ, पेट की सफाई करवाने। वहां से लौट के आएंगे ना तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। एक और नेताजी हैं, जैसे ही कुर्सी संभाली तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खाली, खाद की फैक्ट्री खाली। हमने पूछा आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे, मुस्कुरा कर बोले है ना पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो बस नाम की है। हमने कहा नेताजी इसीलिए सारा देश बदबू मार रहा है। बोले शैल जी सब नाक का चक्कर है, जिनकी नाक है ना बड़े दुखी हैं, अपनी तो है ही नहीं, बड़े सुखी हैं। धन्यवाद। एक कविता आपको और सुनाऊं, जिसे आजकल मेरा शुभित देसाई दोस्त है, गुजराती का बहुत अच्छा कवि है, संचालक है, तो अमेरिका पढ़ाया है, कई कविताएं मेरी अमेरिका में पढ़े आया हो। तो मुझसे आके बोल दिया उसने कि मैं आपकी कविताएं पढ़े, अब आप जाके बताओ।
मैं जब तू सब कुछ पढ़ाया तो मैं क्या पढ़ूंगा। देखिए बहुत अच्छी पढ़ता है वो, एक कविता मेरी पढ़ता है, मैं उस कविता को सुनाना चाहता हूँ आपको। देखिए ये भी एक शिल्पमय है, कहाँ से कैसे बात ली जाती है, देखिए आप। घर में घुसते ही श्रीमती से कहा बड़ी भूख लगी है, वो बोली कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुक्तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुक्तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ ना जिन्हें कविताएं सुनाते हो। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ जिन्हें कविताएं सुनाते हो। कान खोल कर सुन लो, ये घर है होटल नहीं, जो तैयार खाना मिल जाएगा। रसोई घर में झांक कर तो देखो कलेजा हिल जाएगा, हर खाली कनस्तर तुम्हारे उड़े हुए बालों की तरह अपने लुटने की कहानी कह रहा है। और नल पानी फेंकने के बजाय मेरे आंसुओं की तरह बूंद बूंद बह रहा है, छोटे लड़के ने चंद्रशेखर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली, बड़े ने वीपी सिंह बनने की कसम खा ली है। लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई, लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई है, और जवान बहू मायावती की तरह हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। देवर चौटाला की तरह अपने रंग दिखा रहा है, ससुर देवीलाल की तरह धृतराष्ट्र हुआ जा रहा है, सारे के सारे लोग घर को हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। भगवान जाने इस घर में कितने अंतुले हैं। हमने पूछा अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वे बोली मेरा बस चलता तो मैं सबको निकाल बाहर करती। हमने पूछा हमें भी, वो बोली तुम्ही तो असली बीमारी हो। अरे शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो, कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो मनर जी, कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो, मगर कवित्रियों को ऐसे ताकते हो जैसे भूखा रोटी को, नंगा लंगोटी को, बुढ़ापा जवानी को और गंजा चोटी को। हमने कहा देवी जी हमें भूखा रंगा गंजा कुछ भी कह लेना, मगर बूढ़ा मत कहना। न जाने कितनी लड़कियां हमारी कविताओं की फैन हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि हम कवि सम्मेलनों के ओपनिंग बैट्समैन हैं। क्या बात, सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मगर क्या करें तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मैं क्या करें तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। वो बोली श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बन के दिखाओ। रोटी पानी का इंतजाम करो और बच्चों को अनाथ होने से बचाओ। हमने कहा देवी जी तुम्हारा पति भी लखपति बनने वाला है, लखपति बन जाएगा। वो बोली ये बात मुझे नहीं रसोई घर को बताइए, जैसे पति नहीं वनस्पति चाहिए। क्या बात है। इस दौर में मैंने पढ़ा जो उसके लिए फिर आपको प्रणाम करता हूँ, और ये माइक मैं मनर जी को सौंपता हूँ। ये माइक नहीं, उनके पास खुद का माइक है। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माइक घूम नहीं रहा है, और बापू के आश्रम में सबको एक माइक मिला हुआ है। मुझे तो मुश्किल यही है कि आजकल माइक कभी के साइज का नहीं होता। मैं तो हर बात पे इतना ही आनंद लेता हूँ, और एक कविता को मैं अगर 100 बार सुनता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रवचन सुन रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो जब बापू अपनी कथा सुनाते हैं वो कितनी बार सुन चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आनंद मिलता है, हृदय गदगद हो जाता है। मैं कुछ सच्ची बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। कविता में भावना भी होती है, कविता में कल्पना भी होती है। मैं एक बार शैल जी के घर गया तो शैल जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, वो बाहर जा रही थी, बोले कहाँ जा रही हो? तो शैल जी की पत्नी ने कहा मैं पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ, पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। तो शैल जी ने कहा कल तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर जा रही हो? इनकी पत्नी ने कहा कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। एक और सच्ची घटना बापू, एक बार शैल जी के बच्चे ने इनसे पूछा कि पापा जब भी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूं तो मम्मी मना कर देती है। अच्छा, कहती तुम बच्चे हो तो मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जाऊंगा? तो शैल जी ने कहा बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं। चलिए एक घटना आपको
क्षमा मांगते हुए, मैं जानता हूँ यहाँ अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें हर बात पे आनंद आता है, हर बात पे आनंद ही लेना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो बात है जिससे आनंद की सृष्टि हो। एक मिनिस्टर के लड़के का रिजल्ट आया तो मिनिस्टर ने दोस्तों को बुलाया, मिठाई खिलाई। एक मित्र ने कहा, यार तुम्हारा लड़का तो फेल हो गया, फेल होने पे भी मिठाई खिला रहे हो। तो मिनिस्टर ने कहा, फेल पास से क्या मतलब है, इसकी क्लास में 50 लड़के हैं, 50 में से 30 फेल हो गए, बहुमत तो इसके साथ है। कितनी बड़ी बात है कि बहुमत तो इसके साथ है। एक बात और मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूँ। एक पंडित जी गांव में जाकर के पूजा पाठ कराते थे, गांव गांव जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। पंडित जी कहीं एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, घनघोर जंगल था, एक शेर आ गया सामने। शेर ने कहा, पंडित जी आज तो खाऊंगा, बड़ा अच्छा भोजन मिल गया है। पंडित जी ने कहा, भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, जरा एक शादी मैं कराऊँ, उसके बाद खूब भरपेट से खाना खा के जब आऊँगा तो और मोटा हो जाऊँगा, फिर खा लेना। तो शेर ने कहा, पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो शाम को पंडित जी आए तो शेर ने कहा, आप मैं आपको खाऊंगा। बोले खा तो लो, लेकिन मेरा काम करवा लो मुझसे। बोले आप क्या काम करते हो? बोले मैं शादी करवाता हूँ। अब शेर बोला, नहीं 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 नहीं, शादी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि शादी कराने वालों की हालात मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है शादी कराने वालों की क्या स्थिति होती, मैं शादी नहीं कराऊंगा। पंडित ने कहा, मेरा तो काम ही शादी कराना है, मैं पहले आपकी शादी कराऊंगा फिर मुझे खा लेना। अब शेर तो उधर भागा, पीछे पंडित भागे। शेर शादी करा लो, शेर कह रहा शादी नहीं कराऊंगा, शादी नहीं कराऊंगा। पंडित जी कह रहे हैं शादी करा लो। सामने से एक सूहा आ रहा था, सूहे ने शेर से पूछा, क्या बात है शेर मामा, क्यों भागे जा रहे हो? बोले यार मेरे पीछे एक पंडित पड़ा हुआ है, वो कह रहा तेरी शादी करूंगा। तो चूहे ने कहा, बिल्कुल शादी मत करना, शादी के पहले मैं भी शेर था। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई मैं पहली बार सुन, मैंने क्षमा मांग ली पहले आपसे कह दिया कि बहुत सी बातें हम ऐसी हैं जिसको हम अपने ढंग से प्रण कर देते हैं या ले लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बात, बड़े ध्यान से सुनने की बात, अंतर्राष्ट्रीय बात कह रहा हूँ। इराक और अमेरिका में झगड़ा था, सब जानते हैं, लड़ाई छिड़ गई इराक और अमेरिका में। इराक के एक सिपाही ने अपने जनरल से कहा कि साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। जनरल ने कहा, नहीं भाई, अब तो अमेरिका से लड़ाई छिड़ गई है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। उसका चेहरा सुस्त देखा तो जनरल ने कहा, बोलो एक शर्त पे छुट्टी मिल सकती है तुम्हें, क्योंकि तो कोई तुम अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आओ तो मैं छुट्टी दे दूंगा। तो सिपाही ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करना फर्ज आदमी का। तो दूसरे दिन वो एक अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आया, जनरल से कहा, साहब मैं अमेरिका का एक टैंक पकड़ लाया हूँ। तो बड़े खुश हुए, बोले छुट्टी तो तुम्हें दी, लेकिन तुम अपनी वीरता तो बताओ कि तुम किस रहे टैंक पकड़ के लाए, कैसे जीत के लाए। तो उसने कहा, साहब कैसे क्या जीत के लाए, एक अमेरिकन सिपाही को भी जरूरत थी छुट्टी की, तो उसके जनरल ने भी कहा था कि कोई इराकी टैंक लाओ, तो मैं अपना टैंक दे आया और उसका ले आया। मैंने आपसे कहा, कुछ इधर चल दिए कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। कुछ इधर चल दिए कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। राह दुश्वार तो थी मगर दोस्तों रास्ता बन गया, हम जिधर चल दिए। हम जिधर भी चल देते हैं रास्ता बन जाता है, और यही हमारे लिए खुशी की बात है। आइए एक छोटा सा दौर, अगर आपकी इच्छा हो तो एक दौर, छोटा सा कह रहा हूँ कि इसलिए कि समय का हमको ज्ञान नहीं रहता, हम जब बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं। मुझे याद है एक आदमी, मैं के विवाह समारोह में गया तो एक आदमी खाए जा रहा। मैंने उससे पूछा, यार तुम इतनी देर से खा रहे हो, बात क्या है? बोलो मनर जी आपने निमंत्रण कार्ड नहीं पढ़ा शादी का? मैंने कहा पढ़ा, तो निमंत्रण कार्ड में लिखा हुआ है खाने का समय 8 से 12, 4 घंटे तक खाऊंगा। खैर एक छोटा सा दौर, अगर आपकी आज्ञा हो,
तो आइए श्याम ज्वालामुखी को सुन लें। छोटा सा दो आप बता दीजिए। हाँ विनू भाई बता रहे हैं। विनू भाई का कहना है, बात तो ठीक है, मैं नजीत आए तो गवर्नर को मैं कैसे कहूंगी साहब हम कवियों को चाय पिलाइए। तो मैंने श्री प्रकाश जी से एक दिन कहा कि गवर्नर साहब से कहा कि तुलसीदास जी ने स्वर्ग से एक दोहा लिख के भेजा है। तो हंसे बोले अच्छा स्वर्ग से दोहा लिख के भेजा। मैंने कहा हाँ। बोले क्या? तो मैंने पढ़ा ऐसे ही कागज देके कि जग की सब संपत्ति मिले सब साधन मिल जाए, जग की सब संपत्ति मिले सब साधन मिल जाए, तुलसी तहा न जाइए जहां फूल कप मिले न चाय। फौरन उन्होंने आदेश दिया कि चाय सबके लिए आई जाए। तो वीनू भाई की भी इच्छा है चाय, आप यहाँ चाय पान हम लोग कर लें, आप भी कर लें, शायद सबके लिए है, हमारे लिए सबके लिए। अच्छा हमारे लिए है तो हम पी लें, तो आप भी समझ लेना आपने पी ली। उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ ठीक है, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आपको यही भी राजना पड़ेगा, और तब तक जब तक चाय आए तब तक भी हम बातें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चाय पी भी सकते हैं। हाँ बोलिए। पानी तो है, चलते हैं। नहीं नहीं यहाँ भी चाय पी सकते हैं। बिनु भाई आप चाय यहाँ मंगा दीजिए, हम बीच में पीते रहेंगे और डोर चलता रहेगा। क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो बीच में भी सबको पिलानी तो नहीं आना चाहिए। हमारी जिंदगी की शान की एक आन है औरत, जो पूछो गौर से हर मर्द का ईमान है औरत, ये सोती है तो सातों, ये सोती है तो सातों आसमा को नींद आती है, ये जगती है तो कुल सोई भी दुनिया जगाती है। अगर नारी जाग जाए औरत जाग जाए सारी दुनिया जाग जाती है। इसी बात को एक हिंदी कवि ने अपने ढंग से कहा है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसी बात को देखिए अपने ढंग से कहा। आसमान पुरुषों का प्रतीक, धरती नारी की प्रतीक, तो आकाश धरा से एक रात बोला यह, तेरे माथे पर बोझ बहुत रहता है। आकाश धरा से एक रात बोला यह, तेरे माथे पर बोझ बहुत रहता है, धरती बोली तू रो देता पल पल में, सामर्थ्यवान ही सब सुख दुख सहता है। सामर्थ्यवान हो तो वो सारे सुख सुख दुख दोनों सह लेता है। ये बहुत सी बातें हैं जो हम कह देते हैं, आपस में बांट भी लेते हैं। खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी। भाई सुनो सर, खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी। खुशियां बांटने जा रहे हो? वही जा रहा, उसी भी जा रहा था भाई साहब, वो खुशी बांटना ही है भाई। बापू एक कभी कभी मैं कभी कभी गलती तो नहीं करता, मैं जानता हूँ गलती करना बहुत मुश्किल काम है और करना भी नहीं चाहिए। एक महिला संगीत की बड़ी शौकीन थी और अपने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर संगीत के समारोह में चली गई। अब संगीत के समारोह में चली गई तो बच्चा छोटा 7-8 साल का, मम्मी से बोला मम्मी सुसु मम्मी सुसु, महत चुप रहे, बड़ा अच्छा वो हो रहा है, बड़ा अच्छा संगीत हो रहा, चुप रहे, चुप बैठा दिया उसे। अब थोड़ी देर में फिर बच्चे से रानी गया, उसने फिर कहा मम्मी सुसु, बोले चुप रहे। पड़ोस में एक आदमी बैठा था, उसने कहा चल बेटे मैं करा लाऊंगी। तो बड़ी खुश हुई, वो आदमी उसे ले गया सुसु करा के, दोनों वहीं बैठ गए। 5 मिनट के बाद इंटरवल हो गया। इंटरवल होते ही उस महिला ने अपने बच्चे से कहा, छोटे बच्चे से, कि अंकल को थैंक्स दो। बोलो थैंक्स किस बात का? बोलो तुम्हें सुसु करा के लाए हैं। तो बच्चे ने कहा अंकल भी तो करके आए हैं। कभी कभी
छोटी सी बात का बड़ा तूल बना दिया मनोहर जी ने, तो नैसर्गिक आवश्यकता है जिनके बिना रुका नहीं जाता। अंकल जी भी गए थे, कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है कि जिस भीड़ में से उठना मुश्किल होता है, कैसे जाएं कहां जाएं। कभी एक बार मनोहर जी पर भी ऐसे कुछ चक्कर आ गया, कैसे जाएं उठ के क्या जाए। एक बच्चा रो रहा था, बाजी में उसको उठाया, ले 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 ले, और सब लोग समझे कि बच्चे ने ऐसा भी मौका। मैं मनोज जी का जवाब नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि एक बार जवाब दे दूंगा दोबारा क्या दूंगा, इतने हाजिर जवाब हैं। जितना मैंने बोल दिया मुरारी बापू, क्षमा किया है बोलने के लिए, इसलिए बोल दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मुझे याद है शैल जी ने एक दिन मुझे बहुत छोटी सी बात पूछी, बोले मनोज तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। बोले यार बाजार से मैं साबुन लाया और मेरा कुर्ता और पजामा धोया तो सिकुड़ गए, कुर्ता पजामा मैंने धोया साबुन से तो सिकुड़ गए, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ऐसा करो शैल जी, उसी साबुन से तुम भी नहा लो। और सिकुड़ने के बाद केवल के बाद मेरी हालत देख रहे हैं आप, सिकुड़ने के बाद में बैठा हूं। एक बात हो, केवल क्षमा चाहते हुए, मैं बापू कालना जाता हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बाईपास सर्जरी के लिए फौरन जाना पड़ेगा। किसी आदमी ने कह दिया कि कालना में डॉक्टर बालाजी तांबे हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, अगर उनकी दवाई लो तो शायद आपको बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। मैंने कहा कोशिश करेंगे, चलो बाईपास सर्जरी नहीं करें तो आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि मैंने बाईपास सर्जरी को भी बाईपास कर दिया। क्या बात। और इसलिए कर दिया कि मैं वहां गया और वहां की दवाई ली और वहां खूब जोक सुनाए, मैंने खूब आनंद ली दिया। अभी भी कभी कभी जाता हूं वहां, तो सब इंग्लिश ही, आधे से ज्यादा इंग्लिश समझते हैं। तो मैंने एक सच्ची घटना कही कि मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो किसी महिला ने मुझसे पूछा अंग्रेजी में कि मनोहर जी हाउज योर वाइफ नाउ, तो मैं समझ गया मतलब ये है कि अब पहले से आपकी पत्नी की तबीयत कैसे है। और मेरी आदत है कि कोई अंग्रेजी में बात करता तो मैं भी अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहता हूँ। जब उसने पूछा कि मनोहर जी हाउज योर वाइफ नाउ, तो मैं ये कहना चाहता था पहले से ठीक है, तो मेरे मुंह से निकला समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए मनोज जी सही कह रहे हैं, जिस पार्टी में जाते हैं हम लोग साथ में जाते हैं, तो वहां पर हर महिला यही कहती है इनसे कि प्लीज अंग्रेजी मत बोला करो आप। बहुत समस्या हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, रोज तो नहीं होती। मुझे एक ने पूछा महिला ने, मनोज जी कल को क्या कहेंगे, मैंने कहा टुमारो, और उसने कहा परसों को, और परसों की आती नहीं थी मुझे अंग्रेजी, मैंने कहा टुमारो पे एक और मारो। तो बाबू जी मुझे एक बार लोनावला से मैं कालना जाना चाहता था, तो लोनावला स्टेशन पे मैं उतरा, ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि कालना चलना है क्या लोगे, तो कालना का 30-35 रुपया लगता था, लेकिन मुझे नया सा देख के ऑटो रिक्शा वाले ने कहा 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा 50 रुपये कौन देगा, शब्द देखे, मैंने कहा 50 रुपये कौन देगा, मैं तो 30 रुपये दूंगा। तो ऑटो रिक्शा वाले ने कहा 30 रुपए में कौन ले जाएगा, मैंने कहा तुम बैठो पीछे मैं ले चलता हूं। खैर अरे आ जाओ यार, तुम इतनी देर से बैठे हो, चलो शाम ज्वालामुखी के लिए जोर से एक बात। आदरणीय बाबूजी ने अपना अंग्रेजी का ज्ञान बताया। मैं तो उसी दिन जान गया था जब बाबूजी से मैंने कहा बाबूजी वो सामने एक और वहां जाके बोला कम ही यार।
हाँ हाँ भैया, तो आपकी सेवा में कुछ रचनाएं रख रहा हूँ। आदरणीय शैल जी ने बताया एक चींटी को कैसे बचाया गया। मुझे याद आता है एक व्यापारी ने उम्र भर काला ब्लैक वाइट किया। जब उसकी चित्रगुप्त के यहाँ पेशी हुई, धर्मराज ने कहा तुमने क्या पुण्य किए क्या पाप किए, तो उसने बताया कि मैंने उम्र में कोई पुण्य तो किया नहीं, सब पाप ही पाप किए, पर एक पुण्य जरूर किया, मैंने 100 ग्राम आटा चींटियों को डाला और वो हजारों चींटियां उस आटे से जीवन दान पाया तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। तो ये सही है, जिसने हजारों प्राण बचाए उसे नरक में तो नहीं डाल सकते, पर यमराज मूर्ख नहीं थे, बोले 100 ग्राम आटा कितने का था, 125 का, इसे 125 दो और नरक में डाल। तो ये तो होता है अपने, हालांकि नेताओं पे भी बहुत बात हुई, वैसे नेताओं पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो पूरे देश को चला रहे हैं उनके ऊपर जरूर कुछ बोलूंगा, छुटभैये नेताओं पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि छुटभैये नेताओं की तो जबान की कोई वैल्यू नहीं, बाप की कसम खाता है और पड़ोसी मर जाता है। भाई क्या बात है जाम, वाह वाह वाह। अब ये 10 महीने सरकार चली, कोई इनका भरोसा नहीं, इससे तो अच्छा पार्लियामेंट को लिविंग लाइसेंस पर उठा देते तो 11 महीने तो चलती। जितना किराया लेना हो ले लो और लिविंग लाइसेंस पे उठा दें। तो अपने इसी तरह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने देश का सोना बेचा, विरोधी नेताओं ने कहा ये गलत किया, जैसे उनके घर का बेच दिया हो। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बड़े आदमी होते हैं, इतने बड़े आदमी सोना नहीं बेचते तो क्या चने मूंगफली बेचते? अब कहते हैं आज सोना बेचा है कल देश को बेच देंगे, आज सोना बेचा है कल देश को बेच देंगे। मैं दावे से कहता हूं कोई पीएम इस देश को नहीं बेच सकता, क्योंकि जो चीज पहले गिरवे पड़ी हो क्या बात है, भाई वाह वाह वाह, उसे कोई कैसे बेच सकता है। और अब बाद में अपने नरसिंह राव जी आए, वो बड़े बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी उसे कहते हैं जो किसी भी काम को डिफिकल्ट कर दे। क्या बात है, जैसे तबेले में भैंसे गिनना हो तो भैंसे नहीं गिने, पहले उनके पांव गिने फिर 4 का भाग दे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वो बुद्धिजीवी कहलाता है। कुछ वीपी सिंह जी ज्यादा ही बुद्धिजीवी थे, बगीचे में लिखा था फूल तोड़ना मना है, तो वे फूल नहीं तोड़ते, वे पौधे ही उखाड़ना शुरू कर देते, यानी नियम से चलते हुए जितना नुकसान कर सके वो बुद्धिजीवी। पर कोई न कोई काम तो सही हो ही जाता है, कोई कुछ भी काम करे। जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 12 घंटे में एक टाइम तो ऐसा आता ही है जब बंद घड़ी भी सही टाइम बताती है। वाँ वाँ वाँ। तो अपने नेता बड़े आशावादी होते हैं। आशावादी उसे कहते हैं जो माचिस की तीली जलाकर सामने वाले से सिगरेट मांगे। बहुत अच्छा। अब ज्यादा आशावादी वो होता है जो किसी बनिए से माल खरीदे, सिंधी को बेचे और सोचे फायदा होगा। तो बनिए का मतलब
व्यापारी से हैं, किसी जाति विशेष से नहीं है। तो नरसिंह राव जी ने किस तरह देश चलाया दो चार पंक्तियों में, वैसे सत्ता परिवर्तन होती है किस तरह होती है। एक मंत्री को भूत लग गया और वह भूतपूर्व हो गया। कभी कभी भूत को भी भूत लग जाता है। एक मंत्री को भूत लग गया और वह भूतपूर्व हो गया। कार कोठी बंगला सब चला गया। जब पोजीशन चली गई तो वह अपोजीशन में आ गया। तब जाते जाते आने वाले मंत्री को तीन लिफाफे दिए और कहा, जब भी कोई विपत्ति आ जाए एक लिफाफा खोल लेना, विपत्ति दूर हो जाएगी। नए मंत्री पर पहला आरोप भ्रष्टाचार का लगा। उसने पहला लिफाफा खोला, लिखा था, यह आरोप अपने पूर्व मंत्री पर लगा दो। उसने ऐसा ही किया, बच गया। दूसरा आरोप रिश्वत का लगा। उसने दूसरा लिफाफा खोला, लिखा था, यह आरोप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर लगा दो। उसने फिर ऐसा ही किया, फिर बच गया। 3 महीने बाद तीसरा आरोप अक्षमता का लगा। उसने तीसरा लिफाफा खोला, लिखा था, अब ज़्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही 3 लिफाफे लिखो। क्या बात है भाई, भाई वाह 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 श्याम वाह श्याम भाई वाह वाह। और अपने आने वाले मंत्री के हाथ में थमाओ और अपने घर जाओ। तो इस तरह सत्ता परिवर्तन होता है। नरसिंह राव जी ने कैसे देश चलाया? पूछा पत्रकार ने नरसिंह राव जी से, 2 और 2 कितने होते हैं? नरसिंह राव जी 2 घंटे तक सोचते रहे, फिर बोले, वैसे मेरे ख्याल से 2 और 2 शायद 4 ही होते हैं, फिर भी सबकी राय ले लेना चाहिए। क्या बात है भाई, भाई वाह वाह। प्रजातंत्र में तो सर्वमान्य फैसला होना चाहिए ना। अब मनहर जी ने बताया, बच्चे का रिजल्ट आया, फेल हो गया तो भी मिठाई खिलाई। एक व्यापारी के लड़के का रिजल्ट आ गया, 100 में 80% नंबर आए, 80% तो भी मिठाई नहीं खिलाई कि 100 के 200 बनाते हैं तो कुछ नहीं, तुम 100 के 80 बना लाए, ये तो मूल में ही घाटा। मिठाई काय की? तो प्रश्न का तो पूछा पत्रकार ने, आप कभी कहते हैं मंदिर बनाएंगे, कभी कहते हैं मस्जिद बनाएंगे, देश को अंधेरे में क्यों रखते हैं? आप कभी कहते हैं मंदिर बनाएंगे, कभी कहते हैं मस्जिद बनाएंगे, देश को अंधेरे में क्यों रखते हैं? तो नरसिंह राव जी बोले, उजाले में हर चीज अलग अलग दिखती है। क्या बात है, उजाले में हर चीज अलग अलग दिखती है और अंधेरे में सब चीज एक जैसी दिखती है, इसलिए यदि देश को एक रखना होगा तो देश को अंधेरे में ही रखना होगा। तो इस तरह राजनीति चलती है। वैसे हिंदुस्तान में मैनी हेड मैनी माइंड, जितने आदमी उतनी समस्या है। अंग्रेजी में तो, अंग्रेजी कोई गलत हो तो ध्यान न देना, मैंने मनहर जी से ही सीखी है। क्योंकि मुझे मालूम है, इनके पौत्र ने इनसे पूछा यूएसए का मतलब। अब ये केजरीवाल जी हैं, अग्रवाल हैं, तो उनको बता रहे, उसे बता रहे थे यूएसए का मतलब होता है उमा शंकर जी अग्रवाल। तो मैंने इनसे सीखी है, तो उस पर ध्यान न दें। तो जितने आदमी उतनी समस्या है। 2 समस्या मुख्य हैं, एक नसबंदी और एक नशाबंदी। मैंने वैसे गुजरात में तो परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रवीण भाई, अरविंद भाई, हीरा भाई, मीरा बहन, सविता बहन, पति पत्नी सब रिश्ते तो बाद में, पहले तो सब भाई बहन हैं।
पर पूरे देश की समस्या है। तो मैंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे दोनों समस्या एक साथ मिट जाती। भूतपूर्व सरकार ने कहा था हम नशाबंदी करेंगे और वर्तमान सरकार कहती है हम नशबंदी करेंगे। ज्वालामुखी वाद विवाद मिटा दो, दोनों समस्याएं एक साथ निपटा दो। नशबंदी की नशाबंदी से रजामंदी कर दो और जिसको भी देखो नशे में उसी की तुम नशबंदी कर दो। पर यह हो नहीं सका, सरकार तो कर नहीं सकती, कानून से कुछ हो नहीं सकता। पत्नी चाहे तो पति की नशाबंदी कर सकती है, शादी होते ही कह दे या तो मुझे छोड़ दो या शराब छोड़ दो, तो पति देव शराब छोड़ देंगे क्योंकि शराब तो बुढ़ापे में भी पी सकते हैं। पर शराब से मेरा मतलब केवल शराब से ही नहीं है, ये एक नशे के उपमान से है। मैं पेशे से चूंकि डॉक्टर हूँ, मेरे पास जितने भी बीमार आते हैं वे ठीक होते हैं, पर ये बात और है, मैं दवा किसी को देता हूँ फायदा किसी को हो जाता। मैं कई लखपतियों को जानता हूँ जिनका मैंने इलाज किया और उनके लड़के लखपति बन गए। अब एक बीमार आया, उसका पांव फ्रैक्चर हो गया।